और एक बार फिर से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो पूर्वज जेबी केसेस के नाम से जानी जाती है, उसके वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विजय कुमार सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और विषय है धनबाद लोकसभा सीट, क्योंकि 14 लोकसभा सीटों में से मुझे समझ में जो आता है वो ये कि धनबाद लोकसभा सीट जो है सबसे हॉट केक बना हुआ है मीडिया की नजर में। और उसकी वजह ये है कि जो एक बीजेपी के कद्दावर नेता रहे और वर्तमान में जो निर्दलीय विधायक है जमशेदपुर पूर्वी से सरयू राय, उन्होंने ताल ठोक दी है कि वो भी चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं अगर कांग्रेस का साथ और हाथ उनका मिल जाता है तो। बहरहाल चूंकि जो जयराम महतो की जो पार्टी है वो खुद भी इन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है, खुद जयराम महतो जो है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, धनबाद से भी प्रत्याशी जल्द ही उतारने की बात कही जा रही है, लिहाजा क्या सरयू राय, मैं ये समझना चाह रहा था अभिजय जी, क्या सरयू राय के आने से आपके लिए रास्ता आसान होगा या रास्ता और मुश्किल होगा? नहीं देखिए, ऐसा शहनवाज भाई कि सरयू राय जी के धनबाद लोकसभा सीट से लड़ने से एक तो समीकरण बड़ा दिलचस्प होगा और हम लोगों के लिए रास्ता आसान होगा, क्योंकि मैं टेक्निकली आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सरयू राय जी जिन समर्थकों के बल पे धनबाद लोकसभा लड़ना चाह रहे हैं, उस लोकसभा चुनाव के अंदर जो वो वोट काटेंगे वो वोट भारतीय जनता पार्टी का वोट है, वो पारंपरिक वोट है। और ये एक और दिलचस्प पहलू ये है कि सरयू राय जी का जो संगठन है वो बहुत बड़ा संगठन नहीं है, जमशेदपुर में प्रभाव रखते हैं, वहां से वो विधायक है पूर्वी से, जमशेदपुर पूर्वी से, उन्होंने अगर ताल ठोका है धनबाद लोकसभा सीट पर तो जाहिर है कोई ना कोई बैक सपोर्ट होगा, और बैक सपोर्ट निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में, चूंकि वो खुद भी एक कद्दावर नेता रह चुके हैं, पार्टी के साथ एक लंबे समय तक वो जुड़े रहे हैं, तो उनका एक बैक ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में है। तो भले लोग ढुलु माथुर जी का समर्थन करें, लोग पार्टी लाइन पर चले, लेकिन बीजेपी का एक बड़ा धड़ा सरयू राय जी के संपर्क में है, उनको बढ़ावा दे रहा है, उनको बैक सपोर्ट दे रहा है। यही कारण है कि उनके दम पे, उनके समर्थन के दम पे, जो मनोवैज्ञानिक समर्थन वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पर्दे के पीछे से दे रहे हैं सरयू राय जी को, उन्हीं के दम पर वो दाल ठोक रहे हैं धनबाद लोकसभा सीट पर। अगर वो आ जाते हैं यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तो हम लोगों के लिए ठीक है, वो वोट काटेंगे भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। तो ये क्या एक बाहरी और भीतरी का जो एक बात चली है इस चुनाव में, तो क्या वो भी करना आसान हो जाएगा? बिल्कुल आसान होगा, हम लोग निश्चित तौर पर टारगेट करेंगे। हम लोग का जो शहनवाज भाई शुरू से ही हम लोग बोल रहे हैं कि झारखंड और झारखंडियत के मामले पर पार्टी समझौता नहीं करेगी। जेबी केसेस का पूरा आंदोलन इसी पे केंद्रित रहा है कि जो राजनीतिक अतिक्रमण है, एकीकृत बिहार के समय जो जिस ढंग का राजनीतिक परिदृश्य रहा है इस एरिया में, उसी को लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसी को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा संगठन इसका हिमायती नहीं है, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जो बात बाहरी भीतरी को लेकर के हम लोग के ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लग रहा था, हम लोग तो अपनी माटी की बात कर रहे थे, अपने लोगों की बात कर रहे थे कि राज्य के लोगों का हित सुरक्षित रहे। ये अतिक्रमण जो हो रहा है अब तो ये लोग बाहरी भीतरी कर रहे हैं आकर के। क्यों सरयू राय जी को क्या स्थानीय लोगों का समर्थन है? क्या वो कौन सा संगठन है स्थानीय जो उनको समर्थन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। जाहिर है कि जो पर प्रांतीय है, जिन लोगों का दिलचस्पी ऐसे नेताओं को सांसद विधायक बना करके ठेकेदारी करने में और दलाली करने में जिनकी दिलचस्पी है, वैसे कार्यकर्ता वैसे अभिकर्ता ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोगों का तो साफ मानना है कि भले हम लोगों के ऊपर बाहरी भीतरी का आरोप लगता हो, लेकिन राज्य हित में हम लोग निश्चित तौर पर बाहरी उम्मीदवार जो गैर झारखंडी है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, हम लोग उनका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे वो सरयू राय ही क्यों ना हो। जी, मगर ये तो बात में सच्चाई है कि ढुड्डू महतो पर करीबन 49 के करीब मुकदमे दर्ज हैं। इस बुनियाद पर तो ये कहा ही जा सकता है कि वो आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं। ये दीगर बात है, वो जनप्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान अपनी जगह पर है, लेकिन सरयू राय जो सवाल उठा रहे हैं और जिस बात को लेकर वो कह रहे हैं उसमें तथ्यात्मक रूप से कोई गलती नजर नहीं आती है। अगर सनज भाई, अगर तथ्यात्मक रूप से अगर गलती नहीं नजर आ रही है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है सेक्शन 8, उसमें साफ मनाही है, उसका जो सबसेक्शन 3 है उसमें साफ मनाही है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई मुकदमा है और अगर वो 2 साल से ज्यादा का सजा न्यायालय से पा चुका है तो वो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो यहाँ पर टेक्निकल जो बात बोल रहे हैं सरयू राय जी, वो सही बोल रहे हैं कि उनके जो खिलाफ जो 4 मामलों में सजा हुई है, चारों को अगर जोड़ दिया जाए तो 4.5 साल है, तो टेक्निकली वो साउंड है। लेकिन मैं सरयू राय जी से भी आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूँ कि रघुवर सरकार में वो मंत्री थे
और जब वो मंत्री थे तो विधायक थे बागमारा से ढोलू माथो जी, तो तब उनको ये सारी बात क्यों नहीं याद आ रही थी? राजनीतिक सुचिता, राजनीतिक मर्यादा, ढोलू माथो जी आपराधिक छवि के हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन सरयू राय जी को अब क्यों याद आ रहा है? जब वो मंत्री पद पे थे सरयू, ये इनका रघुवर कैबिनेट में, तब उनको ये सारी बातें उठानी चाहिए थी, उस वक्त तो उनको बोलना चाहिए था। जी, आपके लिए खतरे की घंटी इस लिहाज से भी है कि जेएमएम ने ये कह दिया है कि अगर कांग्रेस फ्रंट में आकर सरयू राय सपोर्ट करती है तो आपको उनको एतराज नहीं है, यानी अगर पूरा इंडिया अलायंस सपोर्ट करती है सरयू राय को तो जाहिर सी बात है बहुत इंटैक्ट होकर वो लड़ेगी चुनाव, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा काम होगा। नहीं, इसके पीछे दो तर्क है हमारा शहनवाज भाई कि देखिए कांग्रेस की जो परिपाटी रही है वो कुछ और रही है। अगर सरयू राय जी को टिकट देने के मामले में अगर वो ये कहना चाह रहे हैं कि सौतेली माँ को विधवा करने के लिए वो सगे बाप की हत्या करने को अगर तैयार है, तो जो परिपाटी रही है कांग्रेस की, तो फिर वो टिकट दे सरयू राय जी को। लेकिन अगर सरयू राय जी को अगर वो टिकट देते हैं, और अभी जेएमएम का जो बयान आ गया कि अगर कांग्रेस टिकट देती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन को तैयार है, लेकिन जो 4.5 लाख अल्पसंख्यक वोटर है यहाँ पे धनबाद लोकसभा सीट पर, क्या वो सरयू राय जी का समर्थन करेंगे? क्या कांग्रेस के पीछे वो आंख बंद करके चलने का कोशिश करेंगे क्या? जिस व्यक्ति का एक लंबा एसोसिएशन रहा हो संघ के साथ, जिस व्यक्ति का एक लंबा एसोसिएशन रहा हो भारतीय जनता पार्टी के साथ, वैसे व्यक्ति को क्या धनबाद लोकसभा सीट के मुस्लिम भाई जो है वो वोट करना पसंद करेंगे क्या, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसको कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन है? ठीक है, इस तरह की परिस्थिति तो आप देखिए हजारीबाग में भी आनी आई है जेपी पटेल के मामले में, क्योंकि वो भी जेएमएम से रहे फिर बीजेपी में गए फिर कांग्रेस में आए, तो जाहिर सी बात अवसरवादिता और अपॉर्चुनिज्म तो पॉलिटिक्स की रियलिटी है, ये तो स्वीकार करना होगा। बहरहाल हम ये सिर्फ समझना चाहते हैं कि अगर सरयू राय आते हैं तो वाकई में क्या आपकी रणनीति वही होगी जो अब तक रणनीति रही है? अभी चूंकि ऑफिशियल तो हुआ नहीं उनका आना, तो आपके लिए मैंने जैसा कहा मुश्किल भी हो सकता है, और आप जैसा कह रहे हैं समीकरण के दृष्टिकोण से आसान होगा, लेकिन अगर इंडिया अलायंस अगर कंबाइंड आती है तो जाहिर सी बात है आपके लिए परेशानी का सबब तो बनेगा। लेकिन आपकी तरफ से प्रत्याशी की देरी में अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है? क्या अभी आप लोग कांग्रेस या इंडिया एयरलाइंस के उम्मीदवार के इंतजार कर रहे हैं, घोषणा का इंतजार कर रहे हैं? देखिए दो दिन पहले हम लोगों की बात हुई थी, देर रात हम लोग बैठे थे और जयराम जी के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई है। धनबाद लोकसभा सीट को लेकर के पार्टी ने यह तय किया है कि जब तक इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार नहीं आएगा, और कुछ एक उम्मीदवार जो दूसरी पार्टियों के हैं उनका पता साफ नहीं होता है, और कुछ निर्दलीय लोग हैं जो अभी ताल ठोक रहे हैं और इस सीट पे वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक ये सारी चीजें साफ नहीं होती हैं तब तक हम लोग उम्मीदवार नहीं देने जा रहे हैं। हम लोगों ने साफ साफ कहा है अपने केंद्रीय अध्यक्ष को कि आप थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, और हम लोग 8 दिन 10 दिन के बाद भले धनबाद सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा करें, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके हम लोग अपने उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। आप जो बात कर रहे थे सरयू राय को लेकर के इंडिया गठबंधन की तरफ से टिकट को लेकर, शहनवाज भाई एक बात बहुत बारीकी से समझने वाली भी है कि जिस ढंग का विरोध मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ढोलू माथो जी को झेलना पड़ रहा है, अगर कांग्रेस ने सरयू राय जी को टिकट दिया तो उनको भी वो विरोध झेलना पड़ेगा। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा सरयू राय जी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा। तो जिस ढंग के भीतराघात, जिस ढंग का पार्टी के भीतर ही विरोध का सामना अभी ढोलू माथो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अगर सरयू राय बनाए जाते हैं तो उनको भी निश्चित तौर पर विरोध का सामना करना पड़ेगा। एक और दूसरा क्या है कि कांग्रेस के जो इंटैक्ट वोटर है, कांग्रेस के जो पुराने जो कार्यकर्ता है, वो इस बात का प्रबल विरोध करेंगे कि एक पैरासूट के उम्मीदवार जो जमशेदपुर पूर्वी के विधायक है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को उसे बदला लेने के लिए, रघुवर दास से बदला लेने के लिए धनबाद सीट से टिकट चाह रहे हैं और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के कोटे से वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा उनको स्वीकार नहीं करेगा, और निश्चित तौर पर सरयू राय को कांग्रेस के लोगों के भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। रही बात हम लोगों की रणनीति की, तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि ऐसे उम्मीदवार और धनबाद सीट पर आए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि निर्दलीय के रूप में सरयू राय आ जाए, कांग्रेस पूर्णिमा नीरज सिंह जी को टिकट दे दे, ढोलू माथो ऑलरेडी बीजेपी के तरफ से हैं, फिर हम लोग पत्ता खोलेंगे। उधर जगदीश रवानी मासस के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, कुछ और उम्मीदवार होंगे जो निर्दलीय लड़ेंगे धनबाद लोकसभा सीट से, तो हम लोग के लिए तो दिलचस्प होगा। और देखिए हम लोगों के लिए बोकारो धनबाद आंदोलन की धरती रहा है, इसलिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर 24 घंटे के अंदर हम लोग मोबिलाइज कर देंगे, हम लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि किस गठबंधन से कौन सा उम्मीदवार आ रहा है और हम लोगों को क्या रणनीति अपनानी है।
बस इसी बात का इंतजार है। और हम लोग जैसे ही ये सारी चीजें समझ में आएगी, जब हम लोग कैलकुलेटिव होंगे और जब हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग निश्चित तौर पर धनबाद में जो फिट कैंडिडेट है, जो धरती पुत्र है, जो खतियारी उम्मीदवार है, हम लोग उसकी घोषणा करेंगे। ये आपको लग रहा है कि इस बार के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में झारखंड के संदर्भ में कहें तो वाकई में क्या खतियान, स्थानीयता, नियोजन, रोजगार, युवा, ये सब विषय बन पाएंगे? देखिए निश्चित तौर पर ये विषय है इस वक्त। और देखिए जो परसेप्शन बनता है लोकसभा चुनाव को लेकर के कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाता है, राहुल जी के चेहरे पे लड़ा जाता है, इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच की जो नेशनल पॉलिसीज हैं उनके ऊपर लड़ा जाता है, भारत की जो सरकार है अगर वो निवर्तमान है या जो कंटिन्यू कर रही है सरकार, उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, बेरोजगारों को लेकर के जो चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के जो बातें हैं, तो नेशनल जो इश्यूज है, जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का एक मामला है, पड़ोसियों के साथ जो संबंध है, तो इन इकोनॉमी है, इन सब चीजों पर राष्ट्रीय चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव इसी पे केंद्रित होता है। लेकिन झारखंड के अंदर जेबी केसेस के दो साल के आंदोलन के दौरान जो राजनीतिक परिवर्तन राज्य के अंदर हुआ है, तो कम से कम इन 14 सीटों पर, झारखंड के 14 सीटों पर इसका असर देखने को मिलेगा। एक और दूसरा क्या है कि आपका इसका जो प्रभाव है शहनवाज भाई, आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां इस बात को ध्यान में रखकर कि टाइगर जयराम महतो की रणनीति क्या है और जेबी केसेस की रणनीति क्या है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता क्या कह रहे हैं, उसके अनुसार वो अपनी नीतियां बदल रहे हैं। तो प्रभाव तो है राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित तौर पर शहनवाज भाई। अगर भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड अगर धनबाद सीट को होल्ड करता है, चतरा सीट को होल्ड करता है, तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के संज्ञान में या अमित शाह जी के संज्ञान में नहीं है कि धनबाद सीट पे या झारखंड में क्या कुछ हो रहा है? तो निश्चित तौर पर इस पूरे आंदोलन की जो धमक है वो नई दिल्ली में है, और हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां भी प्रभावित है इस तरह के चीजों से। अब रही बात की राष्ट्रीय चुनाव होने के बावजूद हम लोग ये मान करके चलते हैं कि हम लोगों का मुद्दा काम कर रहा है और हम लोग बहुत ज्यादा आश्वस्त और प्रभावी ढंग से हम लोग विधानसभा के चुनाव में आएंगे। जब विधानसभा का जो चुनाव होगा तो ये मुद्दे और मुखर होकर के निकलेंगे। राज्य पर कोई मुद्दा काम नहीं करेगा, सिर्फ जेबी केसेस, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और टाइगर जयराम महतो जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है उनके जो विचार है और हमारी पार्टी के जो प्रखर वक्ताओं का जो विचार मंचों से गूंजता है वही गूंजेगा पूरे झारखंड में, विधानसभा में और देखने में मजा आएगा। दरअसल मैंने जो सवाल किया उसका जवाब आपके जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो, उन्होंने पिछले कार्यक्रम के दौरान कहा कि जब आप बेटी के लिए जब दुल्हा वर ढूंढने के लिए जाते हैं तो दामाद को देखकर बेटी देते हैं, ना कि ससुर को देख करके। इसलिए वोट अगर करना है झारखंड मुद्दों पर कीजिए, ना कि राष्ट्रीय विषयों पर कीजिए। बहरहाल उम्मीद करनी चाहिए। बिल्कुल शहनवाज भाई बिल्कुल मैं आपको रोक रहा हूँ। एक चीज और भी है कि जो बात केंद्रीय अध्यक्ष ने कही है, जयराम महतो जी ने एकदम सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आधे से अधिक उम्मीदवारों का अपना कोई अचीवमेंट नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आप मोदी जी के नाम पर वोट दीजिए, कमल के नाम पर वोट दीजिए। तो हमको ये सिर्फ पूछना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार स्थानीय स्तर पर खड़े किए जा रहे हैं लोकसभा के स्तर पर, तो अगर उनके अंदर कोई पॉजिटिव सेंस नहीं, अभी आप धनबाद को ही ले लीजिए, आखिर जो जिस व्यक्ति के खिलाफ 50 मुकदमे दर्ज है, 4 मामलों पे सजा हो गई है, क्या ऐसे व्यक्ति को सिर्फ कमल फूल पे वोट दे दिया जाए, क्या सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट दे दिया जाए? तो जो मेरा कहने का मतलब साफ है कि मोदी की आड़ में और कमल फूल के आड़ में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार छुप रहे हैं, जिनकी वास्तविक पहचान छुपाई जा रही है और जिनका नकारा पर जिनकी अयोग्यता को छुपाया जा रहा है, और सिर्फ राष्ट्रीय सरकार जो आपकी जो केंद्र की जो सरकार है और मोदी सरकार की जो काम है, या मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है और कमल फूल के बल पे क्या उनके सारे उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर दिया जाए? ये सवाल हम भारतीय जनता पार्टी और झारखंड के लोगों से भी पूछना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी। तो दरअसल जो धनबाद लोकसभा सीट है वो इस लिहाज से भी रोचक हो गई है कि निर्दलीय विधायक और जमशेदपुर के विधायक, पूर्वी के विधायक जो है सरयू राय, उन्होंने कहीं ना कहीं ये मन बना लिया है कि धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर कांग्रेस उनको बैक सपोर्ट करती है, समर्थन देती है, तो कहीं ना कहीं वो उस सीट पर अपनी छाप भी छोड़ सकते हैं। हालांकि जेएमएम ने भी कहीं ना कहीं इस पर हामी भरती हुई नजर आ रही है, हालांकि मामला अब कांग्रेस में जाकर अटक गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात होती है कि जयराम महतो भी उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या सरयू राय के आने से जयराम महतो के लिए रास्ता आसान होगा या मुश्किल होगा? उनके प्रवक्ता कहते हैं कि पार्टी के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात होती है कि इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में
14 लोकसभा सीटों पर क्या जो धन झारखंड के मूल विषय हैं, जल जंगल जमीन का विषय, आदिवासी मूलवासी समाज का विषय, झारखंड की अस्मिता का विषय, झारखंड के विकास का विषय, यहाँ पर स्थानीयता का विषय, नियोजन का विषय, खाद्यान्न का विषय, भाषा और संस्कृति का विषय, क्या इन विषयों पर वोट पड़ता है? या जैसा आमतौर पर ये रिवाज है या माना जाता है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं और बीजेपी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी, 400 पार टिकट सीटों पर जीत के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। बहरहाल देखने वाली बात यह होती है कि जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।